ये रहा जिम का बाहर का व्यू। पसीने पसीने छूट रहे हैं इनके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर वेल। तो अभी हम जा रहे हैं किश्तवाड़ के दूसरे सबसे बड़े जिम में, तो जो कि है द फौज जिम। तो चलिए चलते हैं। अभी जो है हम आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं अपने कज़िन का। उसने भी जिम आना था तो उसने फ़ोन किया, तुम अकेले अकेले चले गए, तो अब हम उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो जब भी आएगा तब हम चलेंगे जिम की तरफ। 2000 years later। बहुत अरसों का वेट करने के बाद ये भी आ गया, अब चलते हैं हम। ये रहा जिम का बाहर का व्यू। ये इनके दोस्त। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा जिम है किश्तवाड़ का वो यही है, द फौज। थक चुका है यहाँ पर बहुत ज्यादा, पसीने पसीने छूट रहे हैं इनके। यहाँ पर आपको हर एक इक्विपमेंट मिल जाएगी, बहुत ही जबरदस्त जिम है ये। भिड़ो
दिस इज 110 kgs और मेरा कजिन तैयार है 110 किलो उठाने के 110 के। हम आ चुके हैं जिम से बाहर, तो बहुत मजा आया आज। अपनी बाइक्स तो चलेंगे हम अब घर। सो फाइनली अब मैं घर पहुंच चुका हूं और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया जिम में। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जिम गया हूं। आज तक मैं लाइफ में कभी जिम नहीं गया हूं, तो ये एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा जिम जाने का। बट मुझे तो आपको सिर्फ जिम दिखानी थी। मैं बेसिकली जिम इसलिए गया क्योंकि मेरे कज़िन ने बोला था कि उसको वीडियो बनानी है कुछ रील्स के लिए, तभी मैं गया, नहीं तो मेरा जाने का कोई नहीं था। फिर मैं सोच लिया व्लॉग बना लेता हूँ वहीं से। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।